हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड, आज एक बार फिर मैं आपके साथ आया हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कि पानी की रोड की वीडियो, क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है तो पानी की रोड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर घर में हो जाएगा, गीजर है, पानी की रोड है, इन सब का ही काम होगा। तो जनरली इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी फॉल्ट आते रहते हैं, वायरें कभी कमज़ोर होती हैं, कभी हल्की लूजिंग होती है, उस प्रकार से ये शॉर्टिंग होती रहती है। तो आइए मैं आपको ना घर बैठे फटाफट इसको चेक करके और रिपेयर करके खुद बता देता हूँ कि आप इसको अपने घर पे ही कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आज ये बने लिए मेरे पास, ये देखिए, जैसे आप, मैंने खुली हुई है ये, आपका टाइम बचाने के लिए खुली पड़ी है। अब इसमें से यहाँ से कनेक्शन हमारे जल चुके हैं, ये दोनों कनेक्शन वायर जल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उन्हीं वायर को, ये इसकी वायर हो गई ये ठीक है। अब इनको वायरों को क्या करना है, अच्छे से छील के ना दोनों तारों को किसी से भी प्लायर लेके या किसी गर्म करके जैसे छील के ऐसे करके बल लगा देना है इनमें, ठीक है। अब हमारे पास इसमें नट तो होंगे नहीं, घर पे नहीं होंगे ना। अभी आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ टांगा की, इसमें किस तरीके से टांगा सेट करना है। देखिए, अब लाइन पर ये बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए, अगर आपके पानी की रोड में स्क्रू हैं तो आपको इजीली बस ऐसे वायर को अच्छे से साफ़ करके छील के ऐसा लॉक बना के आप इसमें अंदर डाल के इसको कस सकते हो। जैसे भी आप देख रहे हो, इसमें आप अंदर डाल के, ईजिली अंदर डाल के आप इसको कस सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको अंदर डाल दिया है, मैंने पेच लगा दिया है और इसको यहाँ से टाइट कर दिया है पेच को, ठीक है। सपोज़ अगर आपके रोड में पेच नहीं है, स्क्रू नहीं है कसने के लिए, ऐसा ऐसी हुई पड़ी है रोड, फूकी पड़ी है, जली पड़ी है, तो आपको वायर छील के, बड़ी सी वायर छील के ना, इसी में से अपनी वायर में से बड़ी सी छील के ऐसे करके टांका लगा देना, मतलब लॉक कर देना है इसको अच्छे ढंग से, जिस तरीके से भी हो जाए उस तरीके से आपको लॉक कर देना है। यहाँ पे भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद अपने कवर फिट कर दो इसमें, फिर उसके बाद आपको बताइए इसके कवर सेट करने हैं। पहले रोड को लगा के यहाँ पे ऐसे आपने रोड लगा दिया, यहाँ पे ऐसे इसको ईजिली रख दीजिए ऐसे करके, मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब एज इट इज़ जैसे आपने खोला है ना इसको, आप ऐसे ऐसे इसको लॉक करके ऐसे ही कस दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे पेच लगा दीजिए, ये एडजस्ट है, ये एडजस्ट पत्ती लगा दीजिए, उसके बाद इसकी जो भी कसना है आप कस दीजिए और ये आपकी रोड चालू। और गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियो आपके लिए खास कर लेके आऊँगा, कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गीज़र के टॉपिक पे, तो गीज़र को भी रिपेयर करना बताऊँगा कैसे आप घर पे ही गीज़र को रिपेयर कर सकते हैं।